कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं। अपनी विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा कुछ होगा। अभी मैंने अपना परिचय सुना, इसमें मुझे पूर्व सांसद कहा गया। जब मैंने 2004 में राजनीति शुरू की थी तो कभी नहीं सोचा था कि देश में कभी ऐसा देखूंगा जो अभी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे पास बड़ा अवसर है, शायद उस अवसर से बड़ा जो मुझे संसद में बैठकर मिलता। इससे पहले राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों को संबोधित किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने नए संसद भवन, भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, एजेंसियों के इस्तेमाल समेत तमाम मुद्दों पर बात की थी। राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि उन्हें सबके बारे में सब कुछ पता है। बता दें, मार्च में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, इसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। हालांकि मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी।